गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और देखिए, ये बिल्कुल एक खुशनुमा सी सर्दी की सुबह 9 बजे के करीब का टाइम है। और मैंने आज सोचा है कि ना अपना गार्डन का ओवरव्यू आपको फरवरी में क्या है ये दिया जाए। बहुत बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए हैं पूरे गार्डन में, मेरे किचन गार्डन में, और वही मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको नए वीडियोस की नॉलेज भी मिलती रहे। तो ये देखिए, मैं पेटूनिया के अपने जो टब से है सबसे पहले शुरुआत करती हूँ। कितने खूबसूरत, कुछ 10 या 11 तरह के मैंने इसमें पेटूनियाज लगाए हुए थे, 11 पेड़ जो है, बहुत बड़ा सा टब है ये, और पूरी बहारों पे आया हुआ है ये। किसी किसी दिन तो बिल्कुल पूरा भरा रहता है इस तरह से। अभी भी देखिए आप, बहुत फ्लावर्स खिले हुए हैं इसमें। असल में मैं जनवरी का ओवरव्यू आप लोगों को दे नहीं पाई, वीडियो तो बना लिया था पर कुछ व्यस्तताओं की वजह से डाल नहीं पाई मैं उसको। उस टाइम तो बिल्कुल पूरा फुल रहता था ये, और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया कि इससे पहले कि मेरे फ्लावर्स जाने लगे, क्यों ना आपको दिखाया जाए कि मेहनत का फल कैसा मिला है। ये देखिए, ये गेंदे का एक जो बिग साइज़ वाला है, गेंदे मेरे दूसरी या तीसरी बार लगे हैं अब। इतना आते रहते हैं अगस्त से ही। और ये देसी जो डेजी है वो भी खिलने लगी है अब। इसके बाद ये देखो टमाटर, सब्जी दिखाने में तो आज मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि जाने लगी है सब्ज़ी अब सर्दियों की। धीरे धीरे फ्लावर्स पे मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करने वाली हूँ आज के वीडियो में। ये कितनी अच्छी बहारें आई हुई हैं, एक बार आप देखें। ये गेंदे वाला सेक्शन है मेरा, और इसी में थोड़े से वो भी लगे हुए हैं सूरजमुखी के मिनी वाले। और ये देखिए, ये एक टब है जो ये मटर से और मेथी से भरा हुआ है मेरा। मटर इसमें थोड़ा लेट लगाई थी मैंने, अब आने लगी हैं, और मेथी भी बहुत अच्छी हुई है। नेट किया हुआ है मैंने इसको ऊपर से। ये देसी वाली जो पिटूनिया है ये हर साल मेरे पास, शायद मैं दिए में भी मिट्टी भरूं तो उसमें भी खिल जाती है। ये देखो आप, मैंने गर्मी की सब्जियों के जो बीज डायरेक्ट लगा दिए थे इन्हीं पॉट्स में, मेरे को रखना है इनको, वो सब अब आने लगे हैं। पाल वो क्या, लौकी, तुरई, ककड़ी, खीरा, भिंडी, कद्दू, खरबूज, सरबूज सब लगाया है मैंने। और ना सॉरी, आने लगे हैं वो। ये देखिए, एक फ्लोक्स का पुराना मेरा पेड़ है, और ये नए तैयार करने लगी हूँ मैं गमले गर्मियों के लिए। बहुत फूल आते हैं इस फ्लोक्स के पेड़ में भी मेरे। गजनिया के मेरे अभी खिले नहीं हैं सुबह के 9 बजे, क्योंकि अभी थोड़ा एक घंटे बाद खिलेंगे। ये निमेशिया देखिए, फुल ब्लूमिंग पे है, ऑरेंज कलर का। ये एक और पिटूनिया मेरा, बहुत प्यारा लगता है मुझे ये शेड, और फ्लावर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है इसका। और पूरा मेरा जो हैंगिंग प्लांटर है वो इससे भरा रहता है। ये मैमलस के बहुत ही सुंदर ऑरेंज कलर है, बिल्कुल ब्राइट। ये भी बहुत अच्छे प्लांट्स हैं हैंगिंग प्लांट्स बनाने के लिए। एक और पिटूनिया का शेड, बस अब ये जहाँ पे मैंने ये हैंग किए हुए हैं वहीं पे मेरी सब्जियाँ चढ़ जाएंगी। ये नींबू का पेड़ मेरा पतझड़ के बाद फिर से ठीक होता हुआ, पालक लगा हुआ है। ये निमेसिया का एक और शेड, ऑरेंज कलर बिल्कुल। निमेशिया भी बहुत अच्छा लगता है हैंगिंग प्लांटर्स में। गजनिया मेरा अभी ओपन नहीं हुआ है, थोड़ी देर में होगा। ये निमेशिया का एक और पिंक कलर का शेड देखिए, पूरा भरा हुआ पॉट है, और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये हैंग हुए। बहुत ही प्यारा कलर है। और ये मैमलिस का येलो कलर, बहुत ही मैमल, इसके फ्लावर्स का जो कलर है वो बहुत ही ब्राइट होता है, और इसी वजह से बड़े प्यारे लगते हैं ये। हालांकि फूल जो है इसका एक ही दिन या मुश्किल से कभी कभार 2 दिन ही खिलता है,
एक और पिटूनिया का शेड, और इतने फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें कि एक दूसरे के ऊपर पड़ने लगे हैं। ये देखिए एक और शेड पिटूनिया का, इसमें भी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आए थे, और अभी भी ये देखिए बहुत कलियाँ आ रही हैं। कोई कोई दिन किसी कोई भरा रहता है पॉट, कोई दिन दूसरा भरा रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। फ्लावर्स लगातार खिलते रहते हैं और जाते रहते हैं। ये निमेशिया का एक येलो कलर, बसंती कह सकते हैं अपन इसको। इस तरह से ये मेरा पूरा लुक देता है। आप देखिए इधर सब्जियां भी लगी हुई हैं, बीच बीच में चल रही हैं। अभी सर्दी की सब्जियां पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं, पर आज मैं उनके बारे में थोड़ा कम बात कर रही हूँ। नीचे जो बड़े पॉट्स, ब्रोकली अभी बहुत अच्छी आ रही है मेरी, मटर, मूली अच्छे चल रही हैं, टमाटर बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये देखिए कुछ भिंडी के पौध वगैरह मैंने लगानी शुरू कर दी थी, टमाटर, भिंडी, क्योंकि अब फरवरी में जो है गर्मी की सब्जियां लग जाएंगी पूरी तरह से, तो उनकी भी तैयारियां शुरू हो गई है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये पोर्शन मेरा, बिल्कुल ऐसे ये हैंगिंग प्लांटर्स जो हैं इन्होंने तो इतना प्यारा लुक दिया है, बहुत ही खुश हो गया मेरा दिल। चलो आपको थोड़ी सी मटर दिखाती हूँ। अब ये मेरा फ़िश टैंक था 4 फीट का जो फ्री हुआ था, तो इसमें मैं हमेशा सर्दियों में मटर लगा देती हूँ अपने, और बिल्कुल तोड़ के नीचे सब्ज़ी बनाने के लिए नहीं ले जाते हम इसको। कभी कभी बच्चे होते हैं ऊपरों में होती हूँ, तो हम बस यहीं पे तोड़ के खा लेते हैं इनको। एक भी मटर मैं इसमें से नीचे नहीं लेके गई हूँ अपने किचन में, यहीं पे खा लेते हैं, क्योंकि बहुत मीठे होते हैं इसके मटर और बिल्कुल शुद्ध। शौक भी पूरा हो जाता है, मुझे बहुत शौक है मटर खाने का इस तरह से कच्चे, तो बस रोज़ हमारा यही काम होता है, इसमें से तोड़ते हैं जितने भी होते हैं और खा लेते हैं। ये मोगरी का पेड़ जो है, आज ही मैंने इसकी हार्वेस्टिंग की है, बहुत अच्छे से है ना ये भी सब्ज़ी दे रहा है। और ये देखिए मेरा लहसुन का टब, इस बार मेरे को ये बहुत अच्छा शौक चढ़ा है कि मैंने ये टब्स में जो है अपने प्लांट्स लगाना शुरू किए हैं फ्लावर्स के, और कुछ प्लांट्स में एक साथ लगा देती हूँ, तो इतना सुंदर लुक दिया है सारे ही टबों ने, बहुत ही अच्छा। तो ये मेरा प्रयोग एक बड़ा सफल रहा, मैं हमेशा इस तरह से लगाऊंगी। देखिए इसमें 5 मेरे अलाइसम के पेड़ लगे हुए हैं, और बिल्कुल सीढ़ियों से निकलते ही बाहर लगा हुआ है, क्योंकि छाया में लगाने पड़ते हैं ये, इतनी भीनी भीनी खुशबू भी देते हैं ये, और बहुत ही खूबसूरत लुक भी देते हैं। और ये देखिए ये मेरा सिनेरेरिया का सेक्शन है, सर्दियों में यहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है, पर अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें सुबह 10 बजे तक थोड़ी सी धूप आती है, नहीं तो ये बिल्कुल छाया में ही रखा हुआ था। सिनेरेरिया भी छाया में ही उगाने वाले पेड़ पौधे होते हैं, और अब ये अपनी ब्लूमिंग पे आ गए हैं, थोड़ा लेट ही आते हैं ये संक्रांत के बाद ही। और ये देखिए ये मैंने सूटकेस में लगाया था ये पुराने में, एक में सिनेरेरिया, और अब उसने बिल्कुल क्या बढ़िया रिजल्ट दिया है, पूरा सूटकेस भर गया है फ्लावर्स से। ये देखो पुराना सूटकेस था मेरा, पूरा फ्लावर्स से भर गया है, वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो बस इस तरह के कुछ आइडिया आप लोग भी लगा सकते हैं हमेशा अपने किचन गार्डन में। ये देखिए अलग अलग, ये वाइट कलर तो इतना प्यारा लगा है मुझे, पर अफसोस कि ये एक ही प्लांट में आया है मेरे बीजों में से, दूसरा नहीं निकला है कोई भी अभी, शायद बालकनी में कुछ लगे हैं उनमें निकल जाए। बहुत ही सुंदर ये भी बंच में इतने सारे खिलते हैं फ्लावर्स, और आप ये देखो ये इतना बड़ा पेड़ जो हो गया है पौधा सिनेरेरिया का मेरा, और ये सिर्फ 6 इंच वाले गमले में लगा हुआ है। तो अगर अच्छा न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड करते हैं अपने प्लांट्स को, तो छोटे पॉट्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक छाया का मेरा पूरा वो सीढ़ियों के से निकलते ही सेक्शन है, जिसमें मैंने ये अपने सिनेरेरिया लगा रखे हैं, और अब बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है ये, चारों तरफ फूलों से भरा हुआ। पहली बार मैंने सिनेरेरिया को बीज डाल के लगाया है, और बड़ा अच्छा सा रिज़ल्ट मिला है फर्स्ट टाइम में। चलो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये टंकी के पीछे मेरा इम्पेशेंस का जो है एनवल का एक टब लगा हुआ है, इसमें भी मैंने 5 कलर लगाए हुए हैं। देखिए हर टब में मैंने अपने 5 प्लांट्स तो लगाए हुए हैं कम से कम, और ये देखिए एक साथ सारे कलर्स खिलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं।
और ये आप देखो मेरा जो देसी वाला पिटूनिया है, मैंने शायद 15 साल पहले एक पैकेट 20 डाला होगा, उसके बाद से आप देखो हर जगह ये मेरे छत पे आपको मिल जाएंगे। और ये अमरूद की टंकी में बहुत ही हेल्दी हो रहे थे और मुझे पता था बहुत सारे फ्लावर्स देने वाले हैं ये, तो मैंने इनको छोड़ दिया। 2-3 पेड़ हैं जबकि ये सिर्फ, और कितने देखो आप, अभी तो शुरुआत है ये इनकी फ्लावर्स देने की, पूरा ये बिल्कुल जंगल की तरह भर जाएगा इनके फ्लावर्स से। और दिए में भी अगर मैं मिट्टी भरूँ ना अपने छत में, तो सर्दियों में ये एक ना एक उसमें भी खिल जाएगा। इतने मेरे पास अपने आप निकलते हैं, ये 15 साल पहले मैंने शायद कोई है ना 20 डाले थे इसके, तब से लेके अब तक, और मैं काफ़ी रखती भी हूँ क्योंकि बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं ये। इसके अलावा ये देखिए, ये मैंने थोड़े से छाया में डाल दिए हैं अपने ये कॉक्सकॉम के और सेलोसिया के और ये साल्विया के प्लांट्स, यहाँ 2-3 घंटे की धूप आती है तो नया इसमें आने लगा है अब, नहीं तो ये पूरी सर्दियाँ खिल के, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अब जाएंगे, पर मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है। 2-3 घंटे की थोड़ी धूप आती है बस यहाँ पे, क्योंकि इम्पेशेंस को भी धूप नहीं चाहिए होती, इसलिए मैंने टंकी के कॉर्नर में रखा है उसको। और ये देखिए अनार का मेरा पेड़ जिसको मैंने हार्ड प्रूनिंग दे दी थी, अब फरवरी शुरू हो गया है तो बिल्कुल नए जो पत्ते हैं आने लग गए हैं इसमें। और ये मेरा गुलाब वाला सेक्शन जो थोड़ा सा रेस्ट पीरियड में है अभी, पर अब देखिए नई 8-10 दिन बाद भी नई जो बिल्कुल कलियाँ खूब सारी आने लग गई हैं, बहुत अच्छे से गुलाब आए इस बार सर्दियों में। अब नई देखिए पूरे कलियों से फिर दोबारा भरने लग गए हैं, बीच में 8-10 दिन कुछ बंद रहा इनमें फ्लावर, एक साथ खिल गए थे सारे जो, पर अब दोबारा से आ गए हैं। ऐसे लुक देता है मेरा ये। अभी गुलाब नहीं दिखा पाऊंगी आपको, 2-3 दिन लगेंगे। और ये देखिए ये देसी डेजी जो है, ये भी हर बार मेरे पास अपने आप निकलते हैं और इतना ढेर सारे फ्लावरिंग करते हैं ये। पिछले साल का मैं वीडियो आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, नहीं तो वो अगर मैं डालूँ तो आपको पता चले हज़ारों हज़ार मेरे इस टब में फ्लावर्स खिलते थे इसके, और अब अलग अलग तरह के डेजी मैंने दूसरा वाइट वाला भी लगाया हुआ है, इसमें फ्लावर्स आने लगे हैं। नहीं तो ये टब पिछली बार तो फ्लावर्स से ढका हुआ था पूरा, मेरा ढक्कन है ये मेरा फ़िश टैंक का 4 फीट वाला। और ये देखिए तैयारी गर्मियों की शुरू हुआ मेरे, इसमें से मैंने आलू निकाल दिए हैं अपने, आलू लगे हुए थे और अब गर्मियों के लिए तैयार कर दिया है ये टब। ये भी हर जगह खिलते हैं मेरे पास जो डेजी है देसी वाला, कुछ हैं मेरे पास ऐसे जो हर साल मेरे पास अपने आप निकलते हैं प्लांट्स और बहुत सारे फ्लावरिंग करते हैं। अब ये देखिए वेरीगेटेड वाला जो है ये कैलेंडुला, इसमें अंदर तो क्रीम कलर है, वाइट क्रीम कलर और शेड बाहर येलो वाला आता है, बहुत सुंदर लगता है ये मुझे, बड़ा मतलब जिसको देख के बड़ी दिल को शांति मिलती है क्योंकि बहुत ब्राइटनेस नहीं है। और ये देखो नेस्ट्रेशियम ब्राइटनेस की बिल्कुल बाहर पूरी ऑरेंज कलर का नेस्ट्रेशियम है, धूप में शायद मैं पता नहीं अच्छी तरह दिखा पा रही हूँ या नहीं आपको, पर कितना ब्राइट है ये देख के दिल एक बार तो खुश हो जाता है। और ये भी मेरे पास हमेशा अपने आप निकलते हैं, इसका जो है बॉटनिकल नेम क्या है ये मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो बताइएगा। और बहुत सुंदर फूल होता है इसका भी, गेंदे जैसा ही लगता है मुझे, कैलेंडुला और गेंदे का जो मिक्स होता है उस हिसाब से। और ये देखिए मेरा जरेनियम, एक चीज़ मैंने नोट की है, जरेनियम के फ्लावर्स भी अलग ही अट्रैक्शन होता है बाकी सारे फ्लावर्स से इनके शेड्स का और उसका देख के। अब ये देखिए मजेंटा शेड कितना प्यारा लग रहा है ये, पता नहीं धूप में आप लोगों को अंतर पता लग रहा है या नहीं, बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर होते हैं। मैंने 40 तरह के लगभग फ्लावर्स लगाए हुए हैं अपने पास बालकनी और ऊपर उस छत पे, पर ये इसका अट्रैक्शन अलग ही होता है, बहुत ही प्यारा बंच लगता है इसका। और ये देखिए कुछ फ्लोक्स के मेरे, ये फ्लोक्स मुझे नर्सरी में दिख गया था और इतना प्यारा लगा ना मुझे, क्योंकि कई बार ब्राइटनेस देखते देखते फ्लावर्स की आपको ऐसा लगता है कि थोड़े से सूदिंग कलर भी देखें अपन। ये भी देखिए एक फ्लोक्स ही है, तो मैं ये 2 प्लांट्स लेके आई फिर फ्लोक्स के, मुझे बड़े प्यारे से लगे ये। और ये मेरा डॉग फ्लावर का जो टब है, एक बार के डॉग फ्लावर्स मेरे ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि मैंने बहुत जल्दी लगा दिए थे, ये दोबारा के हैं। तो ये भी देखिए 5 शेड हैं, ये तो मेरा फेवरेट काम हो गया है अब टब में है ना, कुछ 5 प्लांट्स लगा देना हर तरह के। और ये देखिए मेरी हैंगिंग प्लांटर्स में गजनिया और मैमलस लगा हुआ है, गजनिया मेरा अभी खिलानी है।
ये देखिए एक और मैमेलस का टब, इसमें वैसे तो येलो ही हैं सारे पर एक ये ऑरेंज भी आ गया है, बहुत फ्लावर्स देता है ये और बड़ा प्यारा जो है इसका ब्राइट सा कलर होता है। तो ये भी पहली बार लगाया है मैंने मैमेलस और अब मैं हमेशा लगाऊंगी। ये मेरा वर्बीना का टब, वर्बीना के साथ मेरे जो बीज से लगाए थे उसमें एक बार शायद बहुत खाद ज़्यादा हो गई थी तो सभी प्लांट्स जल गए मेरे एक साथ ही। तो अब मैंने ये इस टब में ये पांच कलर्स दोबारा लगाए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। अब पेंजी ने इस बार मुझे इतने फ्लावर्स दिए हैं जितने पहले कभी नहीं दिए, बहुत अच्छे फ्लावर्स आए हैं। ये दो शेड मेरे इस टब में लगे हुए हैं पेंजी के और बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग करते हैं ये। ये मेरा कैलेंडुला, कभी किसी में बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं कभी किसी में बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, येलो और ऑरेंज कलर का, बहुत अच्छी बहारें लगाई हैं सारे फ्लावर्स ने, इसलिए मेरा मन हुआ कि फ्लावर्स दिखाऊँ आपको। ये एस्ट्रो फैमिली के ही हैं, इनका एग्जैक्ट नाम क्या है मुझे नहीं पता पर ये भी कभी कभी तो बहुत सारे खिले होते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर होता है ये भी। कोई भी फूल हो सब सुंदर ही होते हैं, हर फूल के साथ यही कहते हैं हम लोग। और ये देखिए ये इस तरह से मेरा एंट्रेंस बिल्कुल सीढ़ियों के सामने ही लगा हुआ है, ये चबूतरा उस पर इस तरह से लुक आता है। इसमें पीछे मेरी एक ग्रेप की बेल भी लगी हुई है बड़े प्लांट्स में, कुछ है ना कैप्सिकम के प्लांट्स भी लगे हुए हैं। सब्ज़ी पे मैंने अभी जोर दिया नहीं है ज़्यादा और नई तैयारियाँ भी गर्मी की चल रही हैं। ये वाला भी लंबा पॉट खाली होगा अब मेरा। और ये देखिए स्वीट विलियम्स आ रहे हैं अच्छे फ्लावर्स लगातार। डायंथस में थोड़ी सी रेस्टिंग है अभी। ये देखिए देसी वाला पिटूनिया, कितने प्यारे फ्लावर्स खिलते हैं इनमें। इसमें डेजी है, देसी वाला भी है और वो हाइब्रिड भी है। ये देखिए अभी ये भी थोड़ी देर में ओपन होंगे पूरे, बहुत सुंदर। और ये बीज को इतना अट्रैक्ट करते हैं ये देसी वाले डेजी, मैं बता नहीं सकती आपको। मधुमक्खियाँ 12 बजे के करीब दिन में इतनी ज़्यादा होती हैं कि कई बार हमें नीचे जाना पड़ता है, बहुत अट्रैक्ट करते हैं ये। ये पालक मेथी धनिया लगा हुआ है मेरा और जो हर 15 दिन में मैं रिपीट में बोती हूँ। ये देखिए अब ये खाली हो गया था मेरा ग्रो बेड, गोभी हट गई थी इसकी सारी, तो मैंने इसमें तीनों चीज़ लगाई हैं। इसमें भी कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं और ये छोटे छोटे पॉट्स में डेजी लगाया हुआ था मैंने, जो बहुत अच्छी फ्लावरिंग की है इसने भी। डहलिया ने मेरा थोड़ा सा अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया, क्योंकि आए थे जब तो बहुत सुंदर रिज़ल्ट दे रहे थे वो, पर 10-15 दिन में ही मैं वहाँ रोड साइड नर्सरी से लेके आई थी कुछ प्लांट्स, तो उनमें है ना फंगस आ गया और मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि उसमें ट्राइकोडर्मा मैं पहले डाल दूँ, तो उन्होंने मेरा थोड़ा सा ख़राब किया रिज़ल्ट। और जब तक मैंने उनको देखा या ध्यान दिया तब तक काफ़ी बिगड़ गया था मामला। ये एक प्लांट जो मेरे पास हमेशा निकलता है, बहुत निकलता है, प्लीज़ इसका कोई बॉटनिकल नाम बताओ आपको तो बताना है। ये तो पेंजी है, पेंजी के मेरे पास बहुत सारे शेड्स हैं, मुझे लगता है जो सब अवेलेबल होते हैं वो सारे हैं मेरे पास। और ये नस्ट्रेशियम येलो कलर वाला, ये एक पेंजी का और टब जो मैंने थोड़ा लेट बीज डाले थे वो अभी आए नहीं है इसमें। इस तरह से ये सब्जियाँ और फ्रूट्स भी लगे हुए हैं बीच बीच में, इसमें मेरे नींबू चल रहा है इधर। और ये टमाटर का मेरी जो क्यारी थी अब इसमें बीच बीच में सब ये फ्लावर्स निकल आए हैं मेरे जो अपने आप खिलते हैं, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है इसको अब। और ये देखिए अब डाइनथस में मेरे में पूरी सर्दी बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आए हैं। देखो कल मैंने ये डेडिंग की है इनकी और अभी भी अच्छे चल रहे हैं, पर बहुत ही अच्छे। जनवरी में तो पूरा डाइनथस से भरा हुआ था मेरी जो रूफ टॉप है। ये सब्जियाँ चल रही हैं, टमाटर वमाटर अभी चालू हैं, मार्च से बस मैं हटाने लग जाऊंगी इनको और जो भी एक्स्ट्रा मेरे पॉट्स हैं उनको सबको खाली करके रखने लग जाऊंगी। ये इस तरह से पूरा ये मेरा, आपको एक पोर्शन उधर वाला मैं अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ रही है, तो वहाँ पे सब्जियाँ ही लगी हुई ज़्यादातर मेरी, आलू मूली गाजर वगैरह और ब्रोकली वोकली, तो वो अपन बाद में देखेंगे कभी किसी दिन। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा गार्डन। नमस्ते।